इस पूरी बस्ती के अंदर घर जो है वो ऐसे ही है, आप देख सकते हो लोग किस तरह परेशानी में रह रहे हैं यार। ये 2 मंजिल का घर है, इसी में रहना, खाना पीना, नहाना धोना सब इसी के अंदर है। देखो पूरा टीम का है, इसका रेंट है 12,000 रुपये। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आप सभी का एक और नए एंड सुपर एक्साइटेड एंड फ्रेश ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आप सभी ने सुना होगा कि जितनी भी यंग जनरेशन है वो मुंबई आना चाहती है फिल्मों में ट्राई करने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई की लाइफ कितनी ज़्यादा टाइट है, यहाँ पर घर कैसे रहते हैं, यहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए कमरे कैसे रहते हैं, उन कमरों का रेंट कितना रहता है, लोग यहाँ किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, जिन्होंने आज कोई मुकाम पाया है मुंबई के अंदर उन्होंने किस किस वक्त से निकले हैं वो उस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ की लाइफ कैसे चलती है। आज जितने भी लोगों ने मुंबई में ज़मीन से उठकर आसमान को चूमा है, उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना हासिल किया है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड में आपको दिखाऊँगा कि अगर आप मुंबई आना चाहते हो अपने दिल में सपनों को लेके, तो भाई यहाँ किस तरह स्ट्रगल है वो आप आज के इस वीडियो में देख के सीख जाओगे। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओ भाई ये हम आ गए ऊपर, ये रास्ता है ऊपर आने के लिए, और ये 2 मंजिल है, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ये, और ये पूरी गली है। इस गली में सारे घर आपको ऐसे ही नज़र आएंगे, और यहाँ पे ये टीनों के घर बने होते हैं। और छोटी सी ये बालकनी आप बोल सकते हो, कुछ सुखाने या कुछ रखने के लिए। और ये है छोटा सा एक रूम, इस रूम का साइज़ है 10x15, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। यहाँ पे ये कुछ फ्रेम लगे हुए हैं, ये उनके स्टैंड हैं एंड ये कंबल वगैरह, और ये एक छोटी सी डेस्क है, यहाँ मटका वगैरह रखा है, और यहाँ पे ये कुछ सामान वगैरह बिखर के रखा है। बस ये है भाई रूम, और ऊपर ये कुछ टीन डले हुई है यहाँ पे। अगर बात करें हमारे यूपी की, हमारे यूपी में अगर ये कमरा रेंट पे मिलता तो बहुत से बहुत इसका रेंट होता 1500 से 2000 रुपये बस। और यहाँ की जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है मुंबई की, वो ये कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं होता। बस ये एक छोटा सा रूम मैंने आपको दिखाया था, और ये एक बाथरूम है, यहाँ आप नहावा सकते हो, गुसल कर सकते हो बस। और ये एक गेट लगा है, मैं खोलता हूँ अभी इसे, और ये मैंने गेट खोल दिया। यहाँ पर भी एक बालकनी है, लेकिन यहाँ कुछ सुखाने का इंतज़ाम नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे ये सब घर आपको ऐसे नज़र आएंगे, टीन डले हुए। भाई ये है मुंबई की लाइफ। ये दीवार देख रहे हो आप, ये पूरी दीवार टीन की बना हुई है भाई, ऊपर टीन डला हुई है, और वो एसी लगा हुई है ऐसे घर में, क्या कर सकते हैं यार। भाई मुंबई है भाई, ये लाइफ है यहाँ पे ऐसी। एंड ये छोटा सा रूम यहाँ से देख लो आप, मैं खड़ा हुआ हूँ आपको दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10x15 का ही रूम है, इससे ज़्यादा रूम नहीं है ये। और इसका रेंट सुन के आपकी होश उड़ जाएंगे, इसका रेंट है 12,000 रुपये लाइट हटा के। लाइट अगर इंक्लूड करोगे आप तो भाई कम से कम आप मान लो 4000 रुपये की लाइट मान लो महीने की, तो ये हो गया 16,000 रुपये, यानी कि भाई 16,000 में ये रूम है भाई। बस जीना तो माशाल्लाह है ही, अब मैं आपको दिखाई चुका। और यहाँ से उतरना भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, ज़रा अगर पैर फिसला ना आपका तो आप गए नीचे। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पर सारे घर आपको ऐसे नज़र आएंगे। यहाँ पर मुंबई में रहना और मुंबई में सर्वाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट लाइफ चलती है यहाँ पे। ये तो फिर भी काफ़ी बड़ा कमरा है, क्योंकि यहाँ पे काम होता है एम्ब्रॉयडरी का, थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, मजबूरी है। और मैंने और भी घर देखे हैं यहीं पे लोकल में, मैं आपको दिखाऊंगा भाई। वो उससे भी छोटे घर हैं, और इसकी घर दीवारें भी मतलब ईंटों वगैरह की हैं, ऊपर टीन डले हुई है, लेकिन उन घरों के अंदर भाई छत भी टीनों की, दीवारें भी टीनों की, बहुत ही छोटा घर है। मतलब मुझे देख के हैरत होती है, इतना बड़ा परिवार छोटे घर में कैसे रह सकता है भाई। और जीने बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं, लोगों को लगता है कि भाई मुंबई है तो बहुत अच्छा, अच्छे भी हैं, पॉश एरिए भी हैं, लेकिन भाई उनके किराया लाखों में जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए, या फिर हम जैसे लोगों के लिए, या फिर गरीब लोगों के लिए जो मजदूरा होते हैं, उनके लिए भाई ऐसे ही
रूम होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्चुअली चौल, इन्हें चौल बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइट लाइफ है, बाथरूम का इंतज़ाम है कहीं कहीं, वो भी नहीं होता, सिर्फ बाथरूम का इंतज़ाम है। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आपको खर्च करना पड़ेंगे 5 रुपये, आप 5 रुपये लेके जाओ एंड टॉयलेट मतलब फिनिश करके आ जाओ बस। इस पूरी बस्ती के अंदर घर जो है वो ऐसे ही है, आप देख सकते हो लोग किस तरह परेशानी में रह रहे हैं यार। टीनों की छत है, टीनों की दीवारें हैं, और गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है मुंबई के अंदर। अब सोचो गर्मी में क्या हाल होता होगा इनका। ये पूरी बस्ती ऐसी है कि यहाँ पे कुछ कपड़े धो रहे हैं और यहाँ पे ये नहा रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई मुंबई की लाइफ। ये है मुंबई के हाल, देखो ज़रा। ये 2 मंजिल का घर है, टीनों का है भाई पूरा, दीवार भी टीनों की, छत भी टीनों की। ये देखो आप किस तरीके से यहाँ पे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी। इतने छोटे छोटे घर हैं, इसी में रहना, खाना पीना, नहाना धोना सब इसी के अंदर है। और मुंबई की गर्मी से आप वाकिफ भी अच्छे तरीके से, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देखो पूरा टीम का है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर हो सके कोई आपका फ्रेंड अगर मुंबई आ रहा हो ज़रूर उसे ये वीडियो शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें परिवार का, एंड लव यू ऑल गाइज, थैंक यू।